हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ड्रीम्स मैं हुवाती एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स में अ वेरी बिग वेलकम टू यू ऑल स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज हम कुछ प्रोनासीेशन टिप्स देखने वाले हैं ओके सो कॉमनली मिस प्रोनाउंसड वर्ड्स और ये वर्ड्स आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत प्रनाउंस करते हैं द फर्स्ट वर्ड इज प्रनासी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं प्रनाउंसिएशन जो कि बिल्कुल गलत होता है इसका सही जो उच्चारण है वो क्या है प्रनंशन प्र ए एशिन फिर से बोलो प्रनिएशन ओके सेकेंड वर्ड है दिस इसको लोग कबर्ड कहते हैं कप बोर्ड ये भी सुना है मैंने इट्स नॉट कबर्ड और कबोर्ड इट इज कब अर्ड प का साउंड नहीं आता कब अर्ड कबर्ड कबर्ड सेठ कबर्ड, कबर्ड. ओके थर्ड इज दिस इसको मैंने फरवरी सुना है फेबरुअरी जो है बेसिकली अब मैं इसको गलत प्रोनास नहीं कर पा रही हूँ लेकिन इसका जो सही प्रोनउंसिएशन है दैट इज फेबरुअरी फेबरुअरी हाउ डू बी से इट फेबरू ओके नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट बादाम इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आहमंड. आमंड आमंड, आमंड. ल का साउंड नहीं आता ल एल जो होता है वो इसमें साइलेंट होता है आमंड दूसरा होता है आमंड एक आहमंड या एक आम अंड बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा आमंड या ओके, okay? लेकिन एल साइलेंट रहता है नेक्स्ट वर्ड इज दिस बुधवार अब ये वेडनस डे नहीं होता इसमें जो डी होता है वो साइलेंट होता है इट्स नॉट वेडनस इट्स वेन्स डे Wednesday. Say it. Wednesday. Again. Wednesday. Wednesday. Next is bomb. Bomb नहीं होता. Bomb में b silent होता है. ये वाला b. So it's bomb. Bomb. B नहीं आएगा. Next is कपड़े. लोग इसे कहते हैं clothes. Clothes. Because इसमें th का sound आ रहा है. But it is क्लोज जैसे ओपन और क्लोज होता है वैसे ही क्लोज एक और प्रोनाउंसिएशन होता है क्लोत्स क्लोथ्स लेकिन वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होता है वी हैव टू से क्लोज ओके अदरवाइज क्लोध्स नहीं बोलेंगे क्लोज द का साउंड आएगा क्लोद्स ओके okay? यहाँ पे थ का साउंड नहीं आएगा नेक्स्ट इज कॉफी अब ये कॉफी तो आपको पता ही होगी विच इज लाइक जस्ट वाटर एंड कॉफी विदाउट एनी थिंग इट्स टोटली कड़वी लेकिन रिफ्रेशिंग सो इट्स नॉट एसप्रेसो इट्स अस्पो एसो असप्रेसो नेक्स्ट इज दिस लोग बोलते हैं प्रोबेबली हैव हर्ट दिस राइट right? प्रोबैबली इट्स नॉट प्रोबैबली इट्स प्रोबेबली प्रोबेबली

नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इट्स नॉट ऑटोमोबाइल इट्स ऑटोमोबिल ऑटोमोबील कैसे बोलेंगे ऑटोमोबील ऑटोमोबाइल कुछ नहीं होता अब है यहाँ पे वी हैव अ इट्स नॉट अ बीयर इट्स अ बैर हाउ डू वी से इट बैर बताओ बैर ओके okay? अब बहुत ही कॉमनली जो मिस प्रनाउंस वर्ड है वो है ब्रेकफास्ट कहाँ जा रहे हो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है इट्स नॉट ब्रेकफास्ट इट्स ब्रेकफस्ट 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 फास्ट नहीं होता फर्स्ट होता है सेट ब्रेकफस्ट गुड जॉब अब है बरी का मतलब होता है दफनाना लेकिन इसको बरी नहीं कहते इसे बोलते हैं बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी होती है वैसे ही इसका जो प्रोनाशिएशन होता है वो होता है बेरी नॉट बरी बेरी अब है जैसे बॉम्ब होता है बॉम्ब नहीं बॉम्ब होता है वैसे ही कोम्ब नहीं कोम होता है कोम आज के बाद अगर आपको किसी से कंगा चाहिए तो आप कोम्ब नहीं कहोगे कोम कहोगे क्या चाहिए आपको कोम, ओके के ओ एच एम ये साउंड आना चाहिए एंड दैट इज इट। कुछ वर्ड्स अब आप कभी भी मिस प्रोनाउंस नहीं करोगे अब आप इनको हमेशा करेक्टली प्रोनाउंस करोगे ओके okay? मिलते हैं बहुत जल्दी कुछ और वर्ड्स के साथ जहां आपको ये पता चलेगा कि भैया मिस प्रोनाउंसिएशन इज नॉट ओके ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ड्रिंस की वेबसाइट पे जहां पे जस्ट यू हैव टू राइट मैग्नेट ड्रिंस डॉट कॉम बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे वीडियोज़ हैं कहाँ ढूंढोगे जो इसका होम पेज है वहां पे आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश का टैब बस यू हैव टू क्लिक ऑन देयर एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग सारी वीडियोस सा आपको मिल जाएंगे क्या मिलेंगे वीडियो वीडियो नहीं वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर बाय बाय